फ्रेंड कैसे आप सब, उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आ गया है पॉलिटिकल साइंस का सैंपल पेपर और मैं सबसे बड़ी बात आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं आज की सबसे ताज़ा खबर। सबसे ताज़ा खबर ये है कि जो पेपर आने वाले हैं वो सारे ही पेपर सैंपल पेपर से आ रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, मैथ हो, सारे ही पेपर सैंपल पेपर से आ रहे हैं। और इसमें घबराने का भी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि पेपर बहुत ही ईजी आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, पेपर बहुत ही ईजी आ रहा है और कुल नंबर 80 और समय 3 घंटे का पेपर है। फ्रेंड्स बहुत ही ईजी पेपर आ रहा है, आप इसे भी एक बार रिविजन इस पेपर को भी एक बार रिविजन कर लेना क्योंकि पेपर कुल मिला के ऐसे ही आ रहा है, पेपर कुल मिला के ऐसे ही आ रहा है जैसे मैंने आपके सामने ये स्क्रीन पर रखा है पेपर। जदु वसी कारा दी अदागरी समय सिर कर रहे साथी राजनीतिक पाणियों की समर्थन दिन ध्यान, ये सारे फ्रेंड्स आपको फ्रेंड्स ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें तो आ जाएगा आपको जैसे कोई भी भौतिक समर्थन, सहभागी समर्थन, सम्मान, तो इसमें आ जाएगा फ्रेंड्स सहभागी समर्थन। ठीक है, आगे दास कैपिटल नादी पुस्तक किसने लिखी, दास कैपिटल नादी पुस्तक किसने लिखी, लास्की ने लिखी, मौन लिखी, लेनिक मारस ने लिखी। तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूँ दास कैपिटल नादी पुस्तक इन चारों में से मारस ने लिखी। ठीक है फ्रेंड, आगे है हेड लिखिया विच किस देश विच दो दलीय प्रणाली पाई जाती है, अमेरिका भारत चीन या जापान, अमेरिका भारत चीन या जापान, कौन से में से दो दलीय प्रणाली पाई जाती है फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर है अमेरिका। ठीक है फ्रेंड, और सबसे पहली बात बड़ी बात फ्रेंड्स, आपको ये सब नहीं सोचना है कि पेपर रियल है या फेक है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पेपर रियल ही आ रहे हैं, जितने भी लीक हुए पेपर सब रियल ही थे फ्रेंड्स, और एक हिस्ट्री का पेपर भी रियल हो लीक हो चुका है जो बहुत ही ईजी है, इसलिए बिल्कुल भी घबराए मत, उसके पढ़ डालिए अगर वीडियो, और ये भी वीडियो किसी को शेयर नहीं करनी फ्रेंड, वीडियो शेयर करते हो पेपर या लीक हो जाता है जो आपका कैंसिल हो जाता है, फिर वहाँ जाके पेपर चेंज हो जाता है। पेपर तो इस बार आपका कैंसिल नहीं होगा हिस्ट्री का पेपर जो आया था वो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन जो फिर लीक हो जाता है पेपर चेंज हो जाता है फ्रेंड, इसलिए इस वीडियो को शेयर बिल्कुल मत करें, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। अगला क्वेश्चन है तीसरा, चौथा क्वेश्चन, भारत विच चोण मिति की घोषणा कौन करता है, चोण मिति कौन करता है फ्रेंड्स, चोण कमीशन करती है, कौन करता है फ्रेंड्स, चोण कमीशन। आगे चलते हैं हेड लिखिया विच केड़ा देश संयुक्त राष्ट्र का मुडला मेंबर है, कौन सा देश है जो अपने रयुष संयुक्त राष्ट्र का मुडला मेंबर है, तो फ्रेंड्स वो है भारत जो अपने संयुक्त राष्ट्र का मुडला। एक बड़ी बात फ्रेंड्स यार, चैनल को सब्सक्राइब लाइक आप करते ही नहीं यार, फ्रेंड्स कर दिया करो यार, एक सब्सक्राइब छोटा सब्सक्राइब और छोटा सा लाइक तो करना होता है यार, कर दो फ्रेंड्स, आपके लिए इतनी मेहनत करते फ्रेंड्स प्लीज़। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, यार कर दिया करो यार, मैकमोहन रेखा केड़े देश की सीमा नू निश्चित कर दी है फ्रेंड्स, मैकमोहन रेखा भारत या पाकिस्तान, भारत चीन, भारत अमेरिका, तो मैं आपको बता दूं कि भारत और चीन को, भारत और चीन को। अगला है महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन सी, महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन सी फ्रेंड्स, आपको इसका आंसर देना है महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन सी, तो मैं आपको बता दूं गोपाल कृष्ण खगोल थे, कौन थे फ्रेंड्स, गोपाल कृष्ण खगोल थे, राइट आंसर इसका यही है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, भारत विच नामात्र कार्यपालिका कौन है, जो भारत में नामात्र कार्यपालिका कौन है फ्रेंड्स, वो है राष्ट्रपति, कौन है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से आप पेपर पास करने वाले हो और पेपर ऐसे ही आने वाले जैसे मैं आपके सामने, पेपर बहुत ही ईजी आएगा, पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आ रहा है, इसलिए आपको टफ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जितने भी ईजी चीज़ें हैं और जिन क्वेश्चन के पीछे PSEB 2018-19 लिखा उसे तो बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा, उसे बिल्कुल मिस नहीं करना क्योंकि पेपर उसी में से टोटल ही आ रहे हैं, पेपर उसी में से फ्रेंड टोटल ही पेपर उसी में से आ रहे हैं, इसलिए उसे मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, तो आगे चलते अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत का की क्या जानता है, ये तो आपके पता होगा, महात्मा गांधी ने भारत का पिता कहा जाता है फ्रेंड, क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास, दबाव समूह का उद्देश्य प्राप्त करना नहीं होता, ये फ्रेंड्स ये आपको करना है, ये आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है फ्रेंड्स, अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, इसका जवाब मैं आपको बताऊंगा, अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति है, मैं बताता हूँ, अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन है, कौन है फ्रेंड्स, जो बाइडन है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है अपने पास, अमेरिका पुरातन उदारवाद ने राज्य में बहुत सीमित अधिकारी खेतर निश्चित किया, बिल्कुल ठीक है, सही है, विद्यक संस्थाओं लोक मित मत दे निर्माण वध्यक साधन है, बिल्कुल गई है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ये दोनों ही राइट आंसर है। अगला है भारत रूसी गुट का एक गुंगा मेंबर है, बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं, रूसी गुट का अपना कोई मेंबर नहीं फ्रेंड्स, हम खुद हमारा एक गुट है। ठीक है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको फ्रेंड्स, इसको क्या कर लेना है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, बाकी मैं PDF टैग लैब में डाल दूंगा, आप इसको आराम से वहाँ डाल के निकाल के पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे से आप पेपर पास करने वाले हैं बहुत अच्छे से। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करो क्योंकि सारी वीडियो आपको इसी चैनल सबसे पहले मिलने वाली है, सबसे पहले आपको आपसे 2 घंटे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अगर वीडियो का अगर लीक भी पेपर होता है तो भी सबसे पहले आपको मिलेगा। इसे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर ले फ्रेंड्स, सब चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स। ठीक है, और वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि शेयर बिल्कुल भी मत करें।
करें यार, बिल्कुल भी वीडियो, कोई भी वीडियो मेरी शेयर ना करें, क्योंकि लीक हो जाता है फ्रेंड। इंग्लिश का पेपर मैंने कई बच्चों ने शेयर कर दिया, जिससे वो कैंसिल हो गया सब बच्चों का। मुझे बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि पेपर इतना ईजी आया था फ्रेंड्स, लेकिन इंग्लिश का पेपर शेयर होने के कारण लीक हो गया फ्रेंड, इसलिए इसे शेयर ना करें। आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेने, बाकी मैं इसका जो PDF है वो ग्रुप में टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है फ्रेंड, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव एन डे, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू।